फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन पूर्णिया के 14 प्रखंडों के डीलरों के अध्यक्षता में प्रेस वार्ता कर अपनी समस्याओं की जानकारी दी। अनुकंपा में 58 वर्ष के बाध्यता को समाप्त कर विक्रेताओं के मृत्यु उपरांत पूर्व की तरह अनुकंपा पर अनुगप्ति दिया गया है। कोरोना में मृत जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के परिवार वालों को एक माह के अंदर अनुकंपा के आधार पर नई अनुगप्ति प्रदान की जाए। इसके अलावा पोज मशीन से सही तरीके से कार्य करने के लिए सर्वर प्रदान किया जाए। कुछ प्रखंडों में उसना चावल दिया जाता है, लेकिन पूर्णियापुर में अरवा चावल दिया जाता है। इसकी शिकायत करने पर गोदाम के मुंशी का जवाब आता है कि ऊपर से ही आदेश है, हम क्या कर सकते हैं। और भी अन्य मांगों को लेकर क्या कुछ डीलर अध्यक्ष ने कहा, आप खुद देखिए। उसना चावल अरवा चावल के क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये है कि किसी किसी प्रखंड में दोनों उसना चावल मिला है, और बहुत सारे प्रखंड में आधा उसना और आधा अरवा मिला, जिससे लाभुकों के बीच बांटने में बहुत परेशानी हो रही है। हाँ, और वजन में माल भी कमती मिलता है। कहाँ से माल कमती मिलता है? SFC से, ग्राउंड से जो माल आता है वो 51 किलो प्रत्येक बोरा होता नहीं, और हम लोगों का जो बोरा का जो वजन है वो भी बात नहीं दिया जाता है। अच्छा, अरवा चावल जो आप लोगों को देता है तो उसकी शिकायत आप लोग किए कहीं? हाँ हाँ, शिकायत किया गया है। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? DM को किया गया है शिकायत। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन कुछ नहीं मिला, गए वो लोग अपना। उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा हम लोगों का प्रति वर्ष हम लोग धरना प्रदर्शन हड़ताल के द्वारा सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों का मानदेय दिया जाए, और मानदेय में हम लोग 30,000 रुपया मांग किए हैं, और कमीशन अभी हम लोगों को 70 रुपया प्रति क्विंटल मिला है, जिसका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत हम लोग 4 रुपया 77 पैसा प्रति क्विंटल की हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, जो कि अभी तक हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हुआ है। दूसरा है कि हम लोग जो 2020 अप्रैल से नवंबर 2020 तक जो PMGKY का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो हम लोग वितरित किए हैं, उसका हम लोगों को फुल पैसा नहीं मिला है। ठीक है, तो और इसके तहत हम लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिला है, सिर्फ दो माह का मिला है, किसी को 5 माह का मिला है, किसी को 1 माह का मिला है, और अभी तक हम लोगों को वो पैसा नहीं मिला है। दूसरा कि कुछ डीलरों का जो कि इंडियन बैंक में लगा दिया था पैसा, और उसके बाद ये नई योजना जो लागू हुई तो हम लोगों का फिर जो है बम्बई से मैंने ट्रांजैक्शन करने के लिए अलाउ हो गया, तो कुछ इंडियन बैंक में जो पैसा फंस गया है डीलरों का, वो पैसा रिटर्न नहीं हुआ है अभी तक। उसके बाद हम लोग उसमें भी हम लोग लेटर उटर लिखे हैं, सभी को, सचिव महोदय को भी लिखे हैं, DM साहब को भी लिखे हैं, सबको लिखे हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोरोना काल में हम लोगों का एक ही दिक्कत है कि उसमें सर्वर अभी जो है कि बहुत कम चल रहा है, कभी खराब रहता है, लाभुक आता है 8 बजे से लेकर 1 बजे तक तो सर्वर डाउन रहता है, जिसके चलते कि लाभुक में काफ़ी मतलब नोकझोंक होते रहता है। तो हम लोग सरकार से ये भी मांग करते हैं कि सर्वर को दिया जाए, हम लोग पोस्ट मशीन से वितरण करेंगे, और पोस्ट मशीन से वितरण करने पर सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी किया गया था कि आप लोगों को 70 पैसा 17